राधे राधे एवरीवन, माय नेम इज निकुंजा एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ वो सारी ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूंगी जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल और मेरे लिए बहुत इजी रही, एंड आई होप वो आप लोगों के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल और उतनी ही इजी रहेंगी। ये मेरा नया चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि मेरी नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने बाल घर पे ही कर्ल करती हूँ और कैसे मैं घर पे क्रिम्प लुक लाती हूँ विदाउट यूजिंग कलर और विदाउट यूजिंग क्रिम्पर। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप इसको किसी की भी हेल्प से कर सकते हैं। आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम बालों को बिल्कुल भी हीट नहीं करते तो इससे बाल हमारे बिल्कुल भी खराब नहीं होते। आइए देखते हैं क्या है टेक्निक। इस टेक्निक के लिए हम सबसे पहले बाल धो लेंगे और कंडीशनर और सीरम लगा लेंगे। उसके बाद हम ब्रेड्स बनाएंगे। ब्रेड्स बनाने के लिए हम एक सेक्शन लेंगे और फिर ब्रेड्स बनाना चालू करेंगे। ब्रेड्स बनाने के बाद हम उसे इलास्टिक से सिक्योर करेंगे। ऐसे ही हम छोटे छोटे हर एक सेक्शन लेंगे बालों के और पूरे बालों में ब्रेड्स बना लेंगे। ऐसे करके हमें सारी ब्रेड्स बना लेनी है बालों की। सारी ब्रेड्स बनाने के बाद हम उसे गीला करेंगे हर एक ब्रेड को अच्छे से, ताकि हमारे बाल वो कर्ली अच्छे से बन पाए, सुबह हमें अच्छा रिजल्ट मिल पाए। बाल गीला करने के बाद सबको इकट्ठा करके हम एक जोड़े में बना लेंगे। क्लेचर लगाने के बाद फिर से गीला करेंगे हर एक सेक्शन को और रात के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आप किसी की भी हेल्प से इसे आसानी से घर में कर सकते हैं और आसानी से किसी भी तरह के कर्ल्स ला सकते हैं। बस इसमें आपकी ब्रेड्स में डिपेंड करेगा कि अगर आप ज़्यादा मोटी ब्रेड्स बनाते हैं तो थोड़ा वेवी और कर्ली लुक आएगा, अगर आप पतली पतली ब्रेड्स बनाते हैं तो थोड़ा क्रिम्प लुक आएगा। जिनके बाल पतले हैं वो खासकर इस चीज़ को यूज़ करें तो आपके बालों में बहुत डेंसिटी आएगी और बहुत हेल्दी लगेंगे आपके बाल, काफ़ी वॉल्यूम नज़र आएगा आपके बालों में। उन लोगों के लिए टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है, अगर आप उसे ध्यान में रख के स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इजीली आप ये लुक घर में अचीव कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप अपने बाल धोएं तो बाल धोने के बाद कंडीशनर ज़रूर करें और कंडीशनर के बाद सीरम ज़रूर लगाएं। इन दोनों से क्या होगा कि आपके बाल बहुत स्मूथ और सिल्की लगेंगे, तो जब आपके कर्ल्स आएंगे तो वो बहुत सिल्की और बहुत प्रिटी लगेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप अपने ब्रेड्स खोलें तो ब्रेड्स खोलने के बाद ब्रश को ना यूज़ करें कोम करने के लिए, अपनी उंगलियों को यूज़ करें। अगर आपने ब्रश का यूज़ किया तो आपके सारे कर्ल्स स्ट्रेट हो जाएंगे और वो नॉर्मल लुक आएगा, आप कर्ली लुक नहीं अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप अपने बाल कोम कर ले उंगलियों से तो उसके बाद हेयर स्प्रे करना ना भूले। हेयर स्प्रे से क्या होगा कि वो लुक काफी लॉन्ग लास्ट करेगा और काफी टाइम तक टिकेगा। अगर आपने हेयर स्प्रे नहीं किया तो वो नहीं टिकेंगे इतनी देर तक। दो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी पहली टिप ये है कि अगर आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही परफेक्ट कर्ल्स चाहिए तो आप रात में बाल धोएं और रात में ही ब्रेड्स बनाएं, सुबह तक आपको बहुत ही परफेक्ट कर्ल्स और बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा।
दूसरी टिप ये है मेरी आप लोगों के लिए कि अगर आपको शाम को किसी पार्टी के लिए ये लुक कैरी करना है और ज़्यादा हीट नहीं अप्लाई करनी है बालों को डैमेज करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, घर का कोई भी पतीला लें, उसमें कपड़ा रखें और उस पतीले को गर्म करें। तो उससे क्या होगा कि वो कपड़ा गर्म होगा और उस कपड़े को आप अपने ब्रेड्स पे स्ट्रांगली अप्लाई करें, तो जब हीट सप्लाई होगी तो उससे कर्ल्स बहुत ही अच्छे बन के आएंगे और बालों को ज़्यादा डैमेज भी। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें। राधे राधे।